जो मॉर्निंग का नज़ारा होता है ना भैया, वो तो एक नंबर है, इतना मज़ा आता है। पर बात वही है, सुबह सुबह उठना हर डेली के पॉसिबल नहीं होता, और ये चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैं खुद ही मतलब ऐसे हॉलीडे के टाइम 9-10 बजे तक उठता हूँ, और आज अपनी ट्रेन थी तो अपन जल्दी 4 बजे उठ गए, और भाई साहब जो मॉर्निंग का व्यू है ना वो एक नंबर, और सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर मिलती है ना पूछे मत भैया। और आज हमारा जर्नी ये जम्मू तवी तक नहीं है, हमारा जर्नी ये बीकानेर तक ही है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं आज जोधपुर टू बीकानेर ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बीकानेर में मेरा होम टाउन है। इसको और नया दिन एक और नहीं सुना, तो आज है 27 अक्टूबर 2021, और आज हमारे एक और नया ब्लॉग आ रहा है, तो चलो चलते हैं एक और नए सफ़र की ओर। तो आज ट्रैवल व्लॉग जो कि मैं जोधपुर टू बीकानेर के बीच में करने वाला हूँ, और काफ़ी टाइम बाद आज आ रहा है ट्रैवल व्लॉग। काफ़ी मतलब करीब करीब 3 से 4 महीने पहले आया था ट्रैवल व्लॉग, और आज आ रहा है, तो फाइनली हमारा ट्रैवल व्लॉग आ रहा है। और मतलब करीब करीब मैं पिछली मतलब कोरोना से पहले ट्रेन में ट्रैवल किया था, और अब जाके कोरोना मतलब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहेगी। और ट्रेन जर्नी इज़ द बेस्ट जर्नी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मतलब कोरोना में इतनी कर नहीं पाया था, पर अब धीरे धीरे 10th कंप्लीट होने के बाद ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी 10th बोर्ड है, तो थोड़ा उसमें पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कल ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, और अब जैसे गाइडलाइन आ चुकी है और डेट शीट भी आ चुकी है, तो उस हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो वो भी क्लियर करेंगे। पर 10th क्लियर होने के बाद में ट्रैवल व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, और इस चैनल पे भी वीडियो ज़्यादा आएगी, इसलिए चलो अब हम आपको सीधा मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन है जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस 09225, जो कि जोधपुर से 6:45 पे निकलती है और जम्मू में पहुंचाती है 6:35 पे नेक्स्ट डे। ट्रेन आ चुकी है, गेट खुलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब इस ट्रेन का इंटीरियर। और अपनी आज कोच है D2 और सीट नंबर है 42। अपना कोच D2 है, तो इसलिए बहुत आगे है, मतलब एकदम फ्रंट साइड में है, तो अपने को आगे चलना पड़ेगा। और भैया सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर है ना पूछे मत। ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है लुधियाना का WDP4 डीजल लोकोमोटिव, जो कि अपनी ट्रेन को रन करेगा आज। और ये जम्मू तवी ट्रेन के साथ में एक लोकोमोटिव चलता है पूरे जोधपुर से लेके जम्मू तवी तक, और ये पूरी जर्नी में ये एक ही लोकोमोटिव रहता है और कोई लोकोमोटिव चेंज नहीं होता इसमें। ट्रेन के जो गेट्स हैं वो खुल चुके हैं, और ये अपना ये भैया अपना कोच है D2 और सीट अपनी सीट है या 40। ये रही भैया अपनी सीट जो कि है विंडो साइड, बहुत अच्छी बात है भैया विंडो साइड मिल गई अपने को। सोचा था कि विंडो साइड मिल जाए, और अपने को विंडो साइड मिल गई थी, और जो ये टिकट में बताया नहीं था कि विंडो साइड है, जो उसने साइड वाली सीट बताई जा रही थी जो कि थी ये वाली, पर अपने को ये मिल चुकी है विंडो साइड, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक मैं विंडो सीट नहीं चाहता था, क्योंकि अपन क्रिएटर है और क्रिएटर्स को विंडो साइड मिल जाए तो अपने को चाहिए भी क्या है। तो चलिए अब मैं आपको
लखनऊ डिपार्चर में जी ट्रेन की जो डिपार्चर टाइम है वो है 6:45 और अभी टाइम हो रहा है 6:20 और करीब करीब आधे घंटे में ट्रेन निकलने वाली है। जैसे ट्रेन निकलती है नागपुर मिलने वाली है। इसकी फेयर की बात करूँ तो इसमें 3 सेकेंड सेटिंग जिसकी फेयर है 130 रुपीज़ और 10 स्लीपर कोचेज जिसकी कॉस्ट है करीब 190 रुपीज़ और 2 3rd AC है जिसमें जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ और 1 2nd AC है जिसकी कॉस्ट है 700 और ये कॉस्ट है जोधपुर से बीकानेर के बीच की जो कि मैंने आपको बताई और जम्मू तवी से मतलब जोधपुर से जम्मू तवी के बीच की कॉस्ट जानी है तो वो आप फेयर चेक कर सकते हो और फेयर ऊपर नीचे हो सकता है जो कि आप IRCTC की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। तो भैया अपनी ट्रेन ऑन टाइम पे डिपार्ट हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 6:45 और अपनी ट्रेन भी निकल चुकी है इसी के साथ में। यात्री कम कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 04708 दादर बीकानेर स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। जिन यात्रियों को मेरदा नागौर नोखा के रास्ते बीकानेर की ओर यात्रा करनी है वो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी गाड़ी में अपना औचक निशान लेकर स्थान ग्रहण करें। यात्री कम कृपया ध्यान दें जम्मू तवी स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने जंक्शन यहाँ का स्टेशन कोड है MTT और यहाँ पे 88 ट्रेन होल्ड करती है और 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और पीछे इंजन की बहुत तेज आवाज़ आ रही है तो पीछे इंजन खड़ा है यार इसकी बहुत तेज आवाज़ आ रही है।
मैंने सोचा था ये अम्बेडकर रोड पे 5-10 मिनट रुकेगी, पर ये बिल्कुल ही नहीं रुकी। दो मिनट का हॉल्ट था, मैं आपसे बात करने लगा जब तक ट्रेन ने हॉर्न नहीं मार दिया। पर मुझे मैथ में जल्दी 4 बजे उठ गया था, इसलिए घर पे कुछ खा के ले आया। मैंने सोचा अम्बेडकर रोड से ले लूँगा, पर यहाँ पे कुछ मतलब ट्रेन रुकी नहीं इतनी देर की मैं कुछ ले पाऊँगा। तो आप देखते हैं नागौर पर अगर मुझे बढ़िया खाने को मिला तो वहाँ ले लेते हैं। चाय। तो अब हम पहुंच चुके नागौर स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है NGO और यहाँ पे रोजाना 52 ट्रेन होल्ड करती है और 0 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 0 टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म ही है और इतना कुछ दिखाने लायक है नहीं। और यहाँ पे खाने का भी मुझे कुछ मिल रहा नहीं है, मैंने सोचा था यहाँ पे मिल जाएगा पर नहीं मिल रहा। चलो देखते कुछ देखते। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं अनोखा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NOK और यहाँ पे डेली 46 ट्रेन होल्ड करती है और यहाँ पे 0 ट्रेन टर्मिनेट होती है और 0 ट्रेन ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और ये जो लाइन पे हम चल रहे हैं ये सिंगल डीजल लेके लाइन है। और जर्नी एक और समाप्त होते हुए 300 किलोमीटर की जर्नी जो कि जोधपुर और बीकानेर के बीच में 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो बार पहले भी मतलब
बीकानेर से जोधपुर का और जोधपुर से बीकानेर का ब्लॉग बनाया है, पर वो बनाया था मैंने रोड ट्रिप बनाया था, और मैंने ट्रेन ब्लॉग पहली बार बनाया है जोधपुर से और बीकानेर के बीच में।